Good morning, students. I hope you all are good and doing a good job. So today I am discussing your worksheet number 112B. This is your EVS worksheet of class 4. It is taken from your book, Looking Around, Unit number 7, from the window. Okay. So before starting this worksheet, you have to write down the class with your section, the date 18 November 2021, your name and your teacher name. Okay. So after that, you have to start this worksheet. तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 112B, जो आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और आपकी बुक में से ही ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पार्ट फ्रॉम द विंडो में हमने पढ़ा कि ओमना ने अपनी दादी के घर तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा की। आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जो ओमना का सफर वाला पार्ट है, यानी कि फ्रॉम द विंडो, उसमें हमने अलग अलग जगह के बारे में देखा कि ओमना ने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक वो गई। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मानचित्र को देखते हैं। ओमना की यात्रा के आरंभ से अंत तक के सफर के सभी स्थानों को मानचित्र में दर्शाया गया। तो ये क्या क्या दर्शाए गए हैं, जरा हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये है हमारा गुजरात, ये हमारा महाराष्ट्र, ये है हमारा गोवा, और इसके लास्ट में जो दिया गया है हमारा, ये है हमारा कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोवा, उससे ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र था। ठीक है, तो ये चारों आप लिख लेंगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो शायद आपको चारों राज्य एक साथ दिख जाएंगे। हाँ जी, चलिए देखिए, ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। जस्ट वेट, कलर चेंज। प्यारे बच्चों, जिन स्थानों और राज्यों से ओमना की ट्रेन गुजरी, वे राज्य भारत के पश्चिमी तट कहलाते हैं। ये सारे राज्य भारत के पश्चिमी तट के राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इन तथ्यों को पढ़कर राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम पहचानकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो कोशिश करते हैं हम इन्हें पहचानने की। सबसे पहले है आपका, यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और उसकी राजधानी है पणजी। ठीक है, इस राज्य में उदीपी नामक राज्य शहर है और यहाँ के लोगों को इडली बड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये राज्य है आपका कर्नाटक और उसकी राजधानी क्या है, तो इस राज्य की में उदीपी नामक शहर है और यहाँ के लोगों को इडली बड़ा पसंद है, तो इसका शहर जो राज्य है वो है कर्नाटक और उसकी राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर, जिसे हम बेंगलुरु भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, इस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गृह राज्य भी है। तो ये हमारा है गुजरात, गुजरात और इसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, इस राज्य का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी है और यह समुद्र के किनारे बसा है। तो ये राज्य आपका है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और उसकी राजधानी पणजी, उडीपी शहर जिस राज्य में है और वहाँ के लोगों को इडली बड़ा खाने की पसंद है वो है कर्नाटक और वहाँ की राजधानी है बेंगलोर, और इस राज्य में महात्मा गांधी और सरदार पटेल को का गृह राज्य माना जाता है और ये शेरों का राज्य भी कहा जाता है। यह है गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी है, और गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल है और इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।